अक्सर देखने में आता है रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो जाता है उसे पहले जैसा कुछ नहीं रहता, न जाने वो प्यार कहाँ खो जाता है जो पहले था। हर रोज़ प्यार पुराना और बोरिंग होने लगता है। मैं एक लड़की से अभी भी बात करता था, हम दोनों में बहुत अच्छी बात होती थी, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, हमने हमारा नंबर भी एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप में बात करने लगे। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसने बात करना बंद कर दिया और अब हालत ये है, रिप्लाई एक दो दिन बाद आता है, वो भी सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और क्या कर रहे हो। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने कोई गलती कर दी, क्या मुझ में कोई कमी है। हमारा इतना अच्छा रिश्ता टूटने वाला है, पहले जैसा प्यार वापस पाने का कोई तरीका हो तो बताएं। देखो ऐसा होता है, आप चाहे रिलेशन के किसी भी स्टेज पर हो, चाहे आप फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या आप हस्बैंड ही क्यों ना हो, ये चीज़ें रिश्तों में आ ही जाती हैं। आप चाहे लड़के हो या लड़की, आप दोनों को महसूस होगा कि वक्त और हालात के बीच प्यार दम तोड़ देता है। लड़कियों की शिकायत होती है उनको सच्चा प्यार नहीं मिलता, लड़का हमेशा सोचता रहता है ये मुझसे प्यार ही नहीं करती। देखो हम स्कूल कॉलेजेस पढ़ते हैं लेकिन वहाँ हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं सिखाई जाती, हमें रिश्तों को संभालना नहीं सिखाया जाता जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तों में दरार ना पड़े इसलिए ज़रूरी है उसमें अपनापन भरना, उसमें प्यार भरना। याद रखना सिर्फ प्यार करने से नहीं होता, प्यार जताना पड़ता है, अपना हक जताना पड़ता है, अपनापन जताना पड़ता है। हाँ ये दिखावा भी ज़रूरी है कि तुमने उसके लिए क्या किया, करना सब कुछ है, दिखाना सब कुछ है, बस मैं बोलने से मना कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो लाया, ये बोलना नहीं है बस। देखो जब भी तुम्हें लगे कि रिश्तों में प्यार की कमी हो रही है तो एक दूसरे का नाम लो, जब तुम एक दूसरे का नाम लेकर पुकारते हो तो तुम उसके आत्मा से बात करते हो। रिश्तों की शुरुआत में जैसे तुम उसे आप फिर उसके बाद तुम करके बात करते थे, इसे पता चलता है कि तुम्हारा रिश्ता कितना गहरा है, कितना अपनापन है। तुम्हें ये तीनों लेवल पार करना है, तुम्हें उसे तू करके भी बात करना पड़ेगा, इससे और ज्यादा अपनापन महसूस होता है। एक दूसरे को नाम से पुकारो, वे इधर आओ, ये करो वो करो, ये बोलने के बजाय उसे कहो पूजा इधर आओ, पूजा सुनो, इससे ज़्यादा अपनापन महसूस होता है। और जिसे आप प्यार करते हो उसका नाम भी बड़े प्यार से लो, वो उस प्यार को जल्दी समझ जाएगी। अगर तुम किसी को प्रपोज करते करते थक चुके हो, वो मानती ही नहीं, तो उसे सिर्फ आई लव यू कहने की जगह आई लव यू पूजा कहो या फिर प्रिया आई लव यू कहो, प्रपोज में उसका नाम लो। देखो नाम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, खासकर लड़की अपने नाम से बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करती है। जैसे तुमने देखा होगा माँ बाप ने अच्छा नाम नहीं रखा तो वो खुद ही अपना अच्छा सा नाम रख लेती है, जैसे एंजल प्रिया, अनामिका, एंजेलिना, ए बी पर भरे पड़े हैं ना। मान लो कोई खूबसूरत लड़की ने कहा ओए राजेश कहा हो, कितना अच्छा लगता है ना। देखो हम लड़की इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं लेकिन लड़कियाँ जिसे पसंद करती है उसका नाम ज़रूर लेती है, और ये वो कोई वीडियो सुनकर नहीं करती, लड़कियों का दिमाग ऐसा ही होता है। रिश्तों के मामले में जो चीज़ लड़के 40 से 45 साल में सीखते हैं वही चीज़ लड़कियाँ 15-16 साल में सीख लेती हैं। जब तुम लड़के का नाम लेकर कोई बात करोगे ना तो वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। अपने बॉयफ्रेंड से कभी बोलना राजेश जी आज मूवी चले, या राजेश जी मुझे ये काम करना है कैसे करूं? देखना इसमें छुपा हुआ प्यार लड़का कैसे समझ जाता है। और आगे देखते हैं, किसी भी नाम को कुछ खास अंदाज में लेना है, जैसे गाते हुए अनामिका पूजा, कुछ खास अंदाज में। कई नामों के साथ तुम जी लगा सकते हो लेकिन कुछ लोगों को जी लगाना पसंद नहीं होता है क्योंकि जी उम्र को बढ़ा देता है। तुम पूजा जी, अनामिका जी बोलकर देख सकते हो, राजेश जी बोलकर देख सकते हो, अगर वो ऐतराज करे कि आप जी क्यों लगाते हो तो जी लगाना बंद कर दो, पहले जी लगा कर देखो, ऐतराज करे तो जी लगाना बंद कर दो। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, अगर आप जी नहीं लगाओगे तो वो आपको दो लगा देगी। लड़कियों की शिकायत होती है कि अब वो मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते, अगर आपके गर्लफ्रेंड की भी यही शिकायत है तो उसका नाम लो, शिकायत बंद हो जाएगी। बार बार नाम लेना दिखाता है कि आपके दिल में उस खास इंसान के लिए क्या अहमियत है, आप उससे कितना प्यार करते हैं। अगर कोई आपका नाम लेने से बच रहा है, आपका नाम आते ही पीछे हट जाता है तो समझो मामला गड़बड़ है, आप वो इम्प्रेशन नहीं जमा पाए। अगर आप नाम लेते हो तो उसमें छुपा हुआ प्यार, और अगर नाम लेने से बच रहे तो उसमें छुपी हुई नाराजगी समझ में आ जाती है। जब तुम उसका नाम बार बार लोगे तो वो खुद को तुम्हारे करीब, और जब तुम नाम लेना बंद कर दोगे तो वो खुद को तुमसे दूर दूर महसूस करेगी। यह देखना नकली और बनावटी नाम नहीं लेना है, लड़की को उसके रियल नाम से बुलाओ। हाँ अगर उसका कोई दूसरा नाम या निकनेम हो जो उसे पसंद हो वो तुम ले सकते हो। एक दूसरे का नाम लेने में भी खुद को बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, जैसे हमने उन्हें पा लिया हो, वो सिर्फ हमारे लिए है, उसमें अपनापन लगता है।